नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में स्लीव डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह देखिए, हमने लंबाई के हिसाब से इसे कट कर दिया है। पूरी यहाँ पर देखिए 10.5 इंच है, 10 इंच ही लेंगे। आधा इंच पर इस तरह मार्क कर देंगे, आधा इंच निकाल देना है। तो 10 इंच लंबाई लेते हुए इस तरह हमने मार्क कर दिया है, इसे सीधा कर देंगे। उसके बाद इस वाली साइड से लेंगे 3 इंच, 3 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो इस तरह 3 इंच पर आर्म होल की गोलाई दे दी है। इस वाली साइड से 7 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह तिरछा करते हुए मार्क किया है। अब यहीं से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें सिंपल स्लीव कट करने के बाद अब हमें इस पर डिजाइन के लिए कट करना है। तो ये लिया है हमने कपड़ा और कपड़े पर रखेंगे और जहाँ से बॉर्डर है बॉर्डर को छोड़ते हुए इस तरह से हमने अस्तर वाले कपड़े पर मार्क कर लिया है। उसके बाद सीधा वहीं से एक सीधा इस तरह निशान करना है। तो इस तरह से देखिए सीधा निशान कर लिया है। उसके बाद हम रखेंगे कपड़े पर फैलाकर और कपड़े को भी कट कर लिया है। अब हमें जो ये सीधा मार्क किया है यहीं से बीच में 2 पॉइंट छोड़ते हुए दोनों साइड से सिलाई डाल देंगे और यहाँ से इसे कट करना है। दोनों साइड से सिलाई डाल देंगे और बीच में से कट करना है। जहाँ से ये सीधा मार्क किया है वहीं से कट हो जाएगा। इसके दोनों तरफ हमने सिलाई इस तरह डाल दी है। अब इस तरह से कट करेंगे। कट करने के बाद इसको अंदर की तरफ पलटना रहेगा। अब यहाँ पर दो इस तरह दोनों साइड कट लगा दिया है। अब अंदर की तरफ इसको पलटेंगे अस्तर वाले कपड़े को और ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह देखिए सिलाई लगा दी है। उसके बाद ये पूरे पर सिलाई लगा लेंगे, अस्तर और कपड़े पर इस तरह साइड से भी सिलाइयाँ लगा लेंगे। अब हमें इस पर पाइपिंग बनानी है। पाइपिंग पट्टी हमने ले ली है, एक तरफ से मोड़ते हुए इस पर पहले सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से पाइपिंग को लगा पाइपिंग बना देंगे। तो पाइपिंग हमने बना दिया है। उसके बाद देखिए ये कपड़ा लेंगे और ये बॉर्डर जो यहाँ से कट किया है और इस बॉर्डर के कपड़े से हम बटन इस तरह से बना लेंगे। पहले बटन बना लेना है, 3 बटन इस पर लगेंगी। तो इस तरह से तीनों बटन को बनाकर पहले तैयार करेंगे। इसी बॉर्डर वाले कपड़े से ये बटन इस तरह बनानी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लगाएंगे, नीचे से 1 इंच छोड़ते हुए पहली बटन लगाएंगे, फिर यहाँ पर 2-2 इंच पर लगा देंगे दो। दोनों पाइपिंग के बीच में इस तरह बटन को रखना है और अच्छे से इसको यहाँ पर लगा देना है। दोनों साइड पकड़ते हुए लगाएंगे, यहाँ से ये जुड़ भी जाएगा और बटन भी इस तरह से लगेगी। 2 बटन यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरह हमने बटन को लगा दिया है। अब नीचे वाली साइड से कपड़े को हमें फोल्ड कर देना है। थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे, ज़्यादा यहाँ पर नहीं मोड़ना है। इस पर फिर हम अंदर वाली साइड से अस्तर के कपड़े से इसे कवर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर लिया है बॉर्डर, वही लिया है बॉर्डर जो नीचे से कट हुआ है।
और यहाँ पर 1.5 इंच का हमने चौकोर ले लिया है। अब इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये डिजाइन हम नीचे की तरफ पूरे पर रखेंगे। तो बॉर्डर की चौड़ाई बहुत ज़्यादा चौड़ा था, हमने पतला किया और उसी से इस तरह से डिजाइन यहाँ पर कर दी। तो अब इस तरह इसको लगा लेंगे। तो ये हमने इसे लगा दिया है। अब देखिए उल्टी वाली साइड से ये अस्तर लिया है और अस्तर के कपड़े से इसकी जो सिलाई का कपड़ा है अंदर कवर कर देंगे, नहीं तो ये बहुत टाइट रहता है तो फिर ये चुभेगा हाथ में। तो ये अस्तर से इसको हमने यहाँ पर कवर कर दिया है। ये सिलाई वाला कपड़ा इसके अंदर हो गया है। तो ये हमारी रही स्लीव की डिजाइन बन के तैयार हुई। ब्लाउज की भी हमने शेयर की है, आप दोनों देख सकते हैं। तो अगर डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद।